कल जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बटकर रह गया और इन सब से फिर बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बीएसपी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस मामले में जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोग भी ऊपर वैली में कश्मीर वगैरह वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने पार्टी के हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े और हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं जम्मू रीजन में और वहां पर हमारे लोगों को वोट पड़ा है। सीट तो नहीं निकाल पाए, कुछ सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला है। इन सभी की जितनी भी इन वर्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए जैसे हमने इनेलो से हरियाणा में अलायंस किया तो हमें जाट समाज का वोट मिला ही नहीं बीजेपी को हराने के लिए, या बीजेपी को सत्ता में बीजेपी वापस ना आए तो जाट वोट एक तरफा तो वो कांग्रेस को चला गया, तो बीएसपी के कैंडिडेट को केवल दलितों का वोट ही पड़ के रह गया। यदि वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता तो हमारी कुछ सीटें जरूर निकल आती, लेकिन जाट समाज का वोट वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है, उनकी जातिवादी सोच काफी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है, और यूपी में हुई है, हमारे एमएलए भी बने हैं, और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की तो वहां पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। तो हमें यूपी की तरह अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा, जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग मैदान में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीतें, अच्छा वोट पड़े। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ऐसी ये स्थिति जो अभी आई है खास तौर से हरियाणा में, ऐसी ये स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है, इसलिए अभी से ही हमें यह अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा।